है, ये देख लो आप यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होगा, कौला देवी का मंदिर और प्राचीन शिव मंदिर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। रास्ता आप देखे हो, काफ़ी घना जंगल है, रोड भी अच्छी खासी खराब है, पत्थर पत्थर चलाना पड़ता है। और आजकल थोड़ा सा यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत विपरीत हो रहा है। ये सारे बैम्बू ट्रीज हैं। ये हमारा प्राचीन शिव मंदिर, यहाँ पे ये तो गेट लगा हुआ है बंद है। हमारे पीछे पीछे दो डॉग भी मंदिर से निकलकर अपने दूसरे मंदिर की ओर जा रहे हैं। आज हम मंदिर का ही कवर करेंगे पूरा, और आप देख ही रहो यहाँ पे जंगल वगैरह। तो ये रास्ता ऐसा ही है, अगर आप आओगे तो आप दिन तक आ सकते हो जब तक यहाँ पे उजाला है, क्योंकि यहाँ जानवर वगैरह आता है, जंगली जानवर वगैरह खासकर, तो अपने रिस्क पे ही आना फिर अगर रात में आओगे आप। हमारा मतलब हमारी तरफ से कहना यही है कि अगर आ रहे हो दर्शन करने हैं तो दर्शन सुबह निकल जाओ, दिन तक आराम से बैठो। तो अब हम अपने रास्ते में निकल रहे हैं दूसरी जगह पे, तो यही है क्योंकि शूट का हमें भी टाइम नहीं मिल पाता, मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता। आपने देखा ये डायरेक्ट सुबह उठ के शॉप पे है, फिर शॉप से फिर वही जिम वगैरह होता है, यदि शूट आते हैं तभी जाता हूँ, वैसे नहीं हो पाता है। तो आज रैंडम प्लान बन गया था हमारा, तो यही है। अभी आप देखिए हम जंगलों के बीच में, फोर व्हीलर भी आ सकती है लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा टायर वगैरह घिस सकता है या फिर स्किड मार सकता है, क्योंकि बहुत स्लशी एरिया हो रखा है आगे। तो देख के अगर आप लोग आ सकते हो तो आप आ सकते हो, वरना फिर टू व्हीलर ही सबसे बढ़िया है, कहीं से भी निकल जाती है, कैसे भी निकल जाती है। तो अभी फिलहाल से ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम रास्ता भूल चुके हैं, यहाँ हम इस वाले से आए थे। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है हमारे, क्योंकि यहाँ ना रास्ते दो कटते हैं, हर जगह पे दो कटते हैं, ऊपर तो मंदिर में मिलता है बट यहाँ पे आते हुए भी और जाते हुए भी दो दो रास्ते हैं। देखते हैं जाके कौन सा रास्ता कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और किस्मत देख, वो चलगी वही चलगी। अभी हम आपको दिखाने वाले थे, हमारी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, हम फंस चुके हैं। हमारे पे ये था एक क्लिक बेट वाला, लेकिन हम नेचुरल चल रहे हैं, ऑर्गेनिक चल रहे हैं। तो अभी पूरी तरीके से देख सकते हो आप रास्ता कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक रास्ता हो रहा है। यही रास्ता है ना? यही है, यही है। वो देखिए मेहनत करते हुए लोग ऐसे आते सामान लेते हुए, आप कह रहे हो ना वो बकरिया लेकिन। और रास्ता कुछ इस तरीके से आपको पूरा रोड दिखा देता हूँ मैं।
अभी सीधे ही चलना। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, अभी हम दर्शन करके आए थे और ये पश्चिम वाला रोड है। अब हम सीधा यहाँ से सीधे जाके हम मिलेंगे मंदिर में, जो सबसे बड़ा मंदिर है विकास नगर का। तो वहाँ का भी अगर देखते हैं, ड्रोन शॉट लेना होगा, अगर अलाउ करेंगे तो लेंगे, वरना हमने जो मेन दो मंदिर थे प्राचीन जिनकी मान्यता है उसकी मान्यता है, बट वहाँ शायद अलाउ नहीं होगा ड्रोन का। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था, आप लोग को दिखाया है। अगर आ रहे हो यहाँ पर, कुछ कबूल रहे हो तो उसको वापस पूरा करना। अगर दिल से कुछ मांग रखा और आपकी चीज़ें पूरी हुई है तो आके आप लोग को दूसरी बार आके प्रसाद वगैरह चढ़ाना पड़ेगा, कबूलना पड़ेगा कि मतलब जिनको पता है इन चीज़ों के बारे में, वही कहना चाह रहा हूँ मैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हो, पूरे नेचर से कवर्ड रहता है, जंगल वगैरह है। तो आप लोग अगर आ रहे हो वहाँ पे तो सुबह निकल जाइए, दिन तक रहिए, शाम जैसी होगी तो आप लोग वापस चले जाना, क्योंकि पूरा जंगली जानवर वगैरह वाला एरिया है। जिसे बोलते हैं ना तेंदुआ वगैरह, वो रहता है वहाँ पे, जंगली सुअर रहते हैं, हिरन रहते हैं, मोर रहते हैं।